गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने क्लास 10 बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को स्टार्ट किया था। कौन से टॉपिक को? ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमने सबसे पहले प्लांट कंप्लीट किया और फिर हमने एनिमल, जिसमें बेसिकली स्ट्रेस था ह्यूमन, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था कि ह्यूमन सर्कुलेशन को या ब्लड सर्कुलेशन जिसे हम कह रहे हैं उसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है। तो उसमें हमने कहा क्योंकि इसमें दो तरह का सर्कुलेशन हो रहा है, एक पल्मोनरी जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है, और जिसमें लंग्स इन्वॉल्व नहीं है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हम कुछ ब्रीफ आइडिया लेंगे कि बेसिकली ह्यूमन में तो हम जानते हैं कि 4 चेंबर हार्ट है, बट अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ये कैसे है। ठीक है, जैसे कि टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट, किससे इंक्लूडेड है ये? चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे चेंबर ऑफ हार्ट, चेंबर्स ऑफ हार्ट जो है इसमें सबसे पहले आएगा ह्यूमन की, जब लोग पढ़ रहे हैं तो मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, जिसको एम्स भी कहा गया, AVES, इसमें है 4 चेंबर हार्ट, 4 चेंबर हार्ट। 4 चेंबर हार्ट का मतलब हुआ 2 आर्टरिया है और 2 वेंट्रिकल है। ठीक है, दूसरा है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियम में होगा 3 चेंबर हार्ट, यानी 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल, 2 आर्टरिया प्लस 1 वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद तीसरा में आएगा फिश। फिशेस में क्या होगा? 2 चेंबर हार्ट, 2 चेंबर हार्ट। 2 चेंबर हार्ट का मतलब क्या होगा? 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया फीसेस का। तो ये हो गया चेंबर ऑफ हार्ट, जो अलग अलग एनिमल में अलग तरह का। अब इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज हार्ट बीट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज हार्ट बीट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट बीट। हार्ट बीट, व्हाट इज हार्ट बीट? सिंपल है, 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ
द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट कितना होता है? इट इज 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। कितना होता है ये? 72 मैक्सिमम या मिनिमम 70 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जब हम मोशन में होते हैं, बेसिकली जब हम वाइग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, सम टाइम इट एक्सीड 100 टाइम्स पर मिनट। व्हाई? बिकॉज आवर रेस्पिरेशन बिकम्स फास्टर, दैट नीड्स व्हाट? दैट नीड्स ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज पल्स। पल्स क्या है? ठीक है, तो द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज पंप्ड इनटू द आर्टरी इज कॉल्ड पल्स। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स या पल्स रेट। ठीक है, अब क्या होगा? ईच हार्ट बीट, हर एक हार्ट बीट जेनरेट करता है वन पल्स रेट। दैट मींस द हार्ट बीट इज इक्वल टू पल्स रेट, दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट, है ना। ईच हार्ट बीट जेनरेट्स वन पल्स रेट या वन पल्स, है ना, इन द आर्टरीज, इन द आर्टरीज। इसलिए कहा जाता है द पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट बीट। क्या कहा जाता है? द पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट बीट। देयरफॉर हार्ट बीट इज इक्वल टू पल्स रेट। और हार्ट बीट कितना है? 70 से लेके 72 टाइम्स पर मिनट। तो ये दोनों भी सेम हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आजकल जो हाइपरटेंशन है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर वेरी इजी है। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड अराउंड द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर का दो पार्ट है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहा जाता है? द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी। द मैक्सिमम प्रेशर
which the blood leaves the heart through the main artery during contraction of the heart, during contraction of the heart, जब दोनों heart का artery contract कर रहा है, दोनों ventricle भी contract कर रहा है, is called systolic pressure. क्या कहा जाता है इसको? Systolic pressure. ठीक है. और दूसरा क्या है? Diastolic pressure. The minimum pressure in the artery during the relaxation phase of the heart is called diastolic pressure. The minimum pressure of the heart during the minimum pressure of the blood during relaxation of the heart is called diastolic pressure. Diastolic pressure मतलब समझे, हार्ट में दो ही चीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है? इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल. दोनों आर्ट्रिया है और दो वेंट्रिकल है ह्यूमन हार्ट में. दो आर्ट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये एसए नोड के कारण करता है, एवी नोड के कारण. कि एसए नोड के कारण, एसए नोड क्यों? क्योंकि एसए नोड का फुल फॉर्म है साइनो आर्ट्रियल नोड, और इसको कहा जाता है नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट. और जो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका कारण है एवी नोड. एवी नोड मीन्स आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. तो एसए नोड और एवी नोड के कारण दो आर्ट्रिया और दो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड मैक्सिमम प्रेशर से थ्रू आर्टरी हार्ट से पंप आउट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. जब हार्ट से ब्लड पंप आउट हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर मिनिमाइज होगा, जिसके कारण हार्ट का चारों चैंबर क्या होगा? रिलैक्स फेज में चला जाएगा, और उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो है 120/80, यही डॉक्टर बोलता है किसी को भी करा होगा तो. उसमें से 120 जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर है, और जो 80 है ये डायस्टोलिक प्रेशर है. ठीक है. जिसका प्रेशर इससे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, दैट इज अ ब्लड प्रेशर मोर देन नॉर्मल. और जिसका इससे कम है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, दैट इज लो ब्लड प्रेशर. ठीक है. अब ये हो गया ब्लड प्रेशर, क्या समझ गए? द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड अराउंड द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. इसका दो यूनिट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नापते हैं, खास करके ह्यूमन का, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर का मूल कारण है, द मेन रीजन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल द फोर चेंबर ऑफ द हार्ट. और डायस्टोल का मेन कारण क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द फोर चेंबर ऑफ द हार्ट. ठीक है. अब ये ब्लड प्रेशर को हम मेजर कैसे करेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट को तो कहा जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर, बट हाउ द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड? ठीक है. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर.
कैसे इसको नापा जाता है? हम लोग सब जानते हैं कि एक रबर कफ होता है, ठीक है? रबर का क्या होता है? कफ होता है। पैर देखे ना, रबर कफ होता है। ये रबर कैप कफ को रैप यानी लपेटा जाता है अराउंड द लेफ्ट आर्म। बेसिकली कहां किया जाता है? अराउंड द लेफ्ट आर्म एंड इट इज इन्फ्लेटेड। और उसके बाद इसको लगातार फुलाया जाता है। कैसे फुलाया जाता है? इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग एयर इनटू इट। इस रबर कफ के ऊपर लगातार एयर को फिल किया जाता है इनटू इट विथ अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 200 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है? मैक्सिमम प्रेशर क्या जा रहा है? 200 मिलीमीटर मर्करी किस पे दिया जाता है? टू द ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है? उसके बाद ना स्टेथोस्कोप जो होता है इज प्लेस्ड ऑन द आर्टरी। अब उसके बाद स्टेथोस्कोप जो होता है, डॉक्टर पहनता है ना, उसको यहां पे आर्टरी में लगाया जाएगा। नो साउंड, नो हार्ट बीट, नो हार्ट बीट इज ऑब्जर्व। कोई भी हार्ट बीट ऑब्जर्व नहीं, बेटर लिख देते हैं नो हार्ट बीट इज हियर, सुनाई देता है। ये तो हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? नाउ रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ रबर कफ, रबर कफ बाय डिफ्लेटिंग इट। इन्फ्लेटिंग मतलब हवा को भरना। अब स्लोली स्लोली जो सक्शन कफ था उसको आस्ते आस्ते ढीला करते हैं, तो उससे क्या होता है? ये जो रबर कफ है, ये जो एयर प्रेशर से फूल गया था, अभी आस्ते आस्ते चिपकेगा। दैट इज कॉल्ड डिफ्लेटिंग। बाय डिफ्लेटिंग इट, डिफ्लेटिंग इट स्टिल द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ऑन द आर्टरी, ठीक है? ब्रैंकेट में अभी तक स्टेथोस्कोप लगा हुआ है। ड्यूरिंग दिस रिडक्शन व्हेन द फर्स्ट हार्ट बीट इज हियर्ड लाइक अ टैपिंग साउंड, लाइक अ टैपिंग साउंड, है ना? सबसे पहली बार लगातार जब प्रेशर को घटा रहे हैं, स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, तो सक्शन कप लगातार उसका प्रेशर कम होने के कारण सबसे पहली बार जब तुमको स्टेथोस्कोप में हार्ट बीट सुनाई देगा, इसी को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है? अब स्टिल द रबर कफ इज डिफ्लेटेड एज अ रिजल्ट, लेकिन अभी भी जो रबर कप को जो डिफ्लेट कर रहे थे, उसके प्रेशर को घटा रहे थे, कंटिन्यू होगा। एज अ रिजल्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम द हार्ट
साउंड अगेन डिसअपीयर द फर्स्ट टाइम इट डिसअपीयर, जो पहली बार फर्स्ट हार्ट साउंड दिया तो हम सिस्टोलिक बोले, उसके बाद फिर से जब उसको हल्का करते जा रहे हैं, सक्शन गर्भ का प्रेशर घटते जा रहा है, तो कुछ देर के बाद फिर से हार्ट साउंड जब गायब हो गया तो सबसे पहली बार जब ये डिसअपीयर हुआ इसी को कहा गया डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहा गया? डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और ये तरीका है ब्लड प्रेशर को नापने का। तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलर सिस्टम। नाउ व्हाट इज सिम्फेटिक सिस्टम? अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड इन द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स, सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स विच ट्रांसफर द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड सर्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। यानी बोला जा रहा है कि एक सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स है, छोटे छोटे ट्यूब्स हैं जिसमें लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड पाया जाता है, जिसका मेन काम है ट्रांसफर ऑफ लिक्विड, जिसको लिम्फ बोलते हैं, कहां से? From the body tissue into the blood circulatory system is called lymphatic system, ठीक है। अब it consists of following, it consists of, it मतलब lymphatic system consists of following parts, पहला lymph, दूसरा lymph कैपिलरीज, तीसरा लिम्फ वेसल और फोर्थ लिम्फ नोड। सबसे पहले लिम्फ क्या है? ये एक लाइट येलो कलर फ्लूइड है जो कि बेसिकली ब्लड का कॉम्पोजिशन और इसका कॉम्पोजिशन सेम है, क्योंकि लिम्फ और ब्लड दोनों को ही हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में रखते हैं, और जब हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में रखते हैं तो इसका कंपोजिशन में भी दो है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा में भी वही है 90% वाटर और 10% सॉल्यूट। इसके सॉल्यूट में क्या क्या होगा? प्रोटीन होगा,
डाइजेस्टेड फैट होगा, जर्म्स होगा और डेड सेल्स होगा। किसमें? प्लाज्मा में। लिम्फोसाइट्स क्या है? ये एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल्स है जो ब्लड में पाया जाएगा। और लिम्फ को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये सेल को बात करता है, सेल को नहाता है, क्योंकि ये सेल के बाहर रहता है, ठीक है। और लिम्फ हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज इट कंटेन लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी क्या है? ये एक ब्लाइंडली एंडिंग मेसवर्क है। मेसवर्क मतलब एक नेटवर्क है ऑफ थिन वॉल्ड एंड हाईली परमिएबल ट्यूब। थिन वॉल्ड और हाईली परमिएबल ट्यूब का ये एक मेसवर्क है जिसका वेरिएबल डायमीटर है, जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा वेरी करता है। किसका? लिम्फ कैपिलरी का। तो ये क्या है? एक ब्लाइंडली ट्यूब मेसवर्क है, ठीक है। किसका मेसवर्क है? थिन वॉल्ड और हाईली परमिएबल ट्यूब्स का, ठीक है। और वो वेरिएबल डायमीटर का। लिम्फ कैपिलरी का काम क्या है? ये लिम्फ कैपिलरी ड्रेन टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड का मतलब लिम्फ इनटू द लिम्फ कैपिलरी, ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड है वो सबसे पहले लिम्फ कैपिलरी में ही आता है, और बहुत सारा लिम्फ कैपिलरी जब जुड़ता है तो वो बनाता है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल का डायमीटर बड़ा होता है, लेकिन ये 3 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होता है, 2 to 3 मिलीमीटर इन डायमीटर। और जो लिम्फ वेसल्स होता है इसमें वेल्व्स होता है, और ये वेल्व्स ये निश्चित करता है कि जो भी लिम्फ है ये बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही ट्रांसफर हो और वापस वो नहीं आ सके। यानी ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट्स वो करता है फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और लास्ट है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है? ये वेरियस बहुत सारा, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इंटरवल में हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। और ये जो लिम्फ नोड है इसी लिम्फ नोड में होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड में ही क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट्स, जो कि लिम्फ में होता है। और लिम्फोसाइट्स क्या करता है? लिम्फ में जो भी जर्म्स है उसको मार देता है, ठीक है। ये बेसिकली यही करता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अब लिम्फ का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फ जो है वो एब्जॉर्ब करता है लिक्विड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और इट पासेस प्रोटीन, इट क्या करता है? प्रोटीन को पास करता है, ठीक है। इट पासेस प्रोटीन फ्रॉम सर्कुलेशन टू द टिश्यू। लिम्फ मिडिल मैन के रूप में काम करता है। ये ब्लड से बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लाता है, और बॉडी टिश्यू से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को ट्रांसफर करता है। प्लस लिम्फ का और एक काम है, या लिम्फेटिक सिस्टम का भी बोल सकते हैं, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्यों इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? बिकॉज इट कंटेन लिम्फोसाइट्स। देखो फिर से अगर बता रहे हैं, लिम्फ एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है विच कंपोजिशन इज सिमिलर टू ब्लड। अब अंतर कहाँ है? देखो लिम्फ में जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा में प्रोटीन है, डाइजेस्टेड फैट है, जर्म है और डेड सेल्स है। लिम्फ में ब्लड की तरह आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं है, सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स है और उसमें भी लिम्फोसाइट्स है। एंड लिम्फोसाइट्स प्ले अ ग्रेट रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। दूसरा है लिम्फ कैपिलरी, एक ब्लाइंडली ट्यूब मेसवर्क है ऑफ लॉन्ग ट्यूब एंड हाईली परमिएबल ट्यूब। ट्यूब का क्या नेचर है? लॉन्ग एंड हाईली परमिएबल, ठीक है। और इसका मेन काम है कि जो लिम्फ है इट्स ड्रेन इनटू द लिम्फ कैपिलरी। जब बहुत सारा लिम्फ कैपिलरी आपस में जुड़ता है ये बनाता है लिम्फ वेसल। और लिम्फ वेसल का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है यहां जितना भी है, लेकिन इसका डायमीटर 2 to 3 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब लिम्फ नोड, लिम्फ नोड वेरियस इन नंबर होता है, इंटरवल में पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। इसी लिम्फ नोड में पाया जाता है लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फ में जो जर्म सेल्स है या डेड से जो फॉरेन पार्टिकल्स है, खासकर के पैथोजेनिक, उसको डिस्ट्रॉय करता है, और एक तरह से इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, ठीक है। फंक्शन तो वही है, ये डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है, और ये ब्लड से का ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को बॉडी टिश्यू को देता है, और बॉडी टिश्यू से CO2 और वेस्ट को ये ब्लड को देता है। एंड नाउ एंड फाइनल क्या होगा? ये हमें इम्यूनिटी देता है।
क्योंकि सिंपल हम पहले पढ़ चुके हैं किट हैव लिम्फोसाइट विच इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिम्फ। सो इस तरह से ट्रांसपोर्ट जो टॉपिक है इसका ट्रांसपोर्ट जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का वो कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो है एक्सक्रीशन। थोड़ा सा हम रफ आइडिया देते हैं, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। जब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल हो रहा है बॉडी से दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, और जब अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से एलिमिनेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड इजेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।